हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलपीजी सिलेंडर के लिए हम फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले हम एलपीजी सिलेंडर का जो इस्तेमाल है वो साइट पर गैस कटिंग करने के लिए करते थे, और उस वक्त जो है एलपीजी सिलेंडर को जो है हम फ्लैशबैक अरेस्टर लगाते थे। लेकिन जब ये एलपीजी सिलेंडर जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जो है हम यहाँ पर फ्लैशबैक अरेस्टर का जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है वो आपको पता होना चाहिए। अब जब भी कंपनी में एलपीजी सिलेंडर का जो है इस्तेमाल करते हैं गैस कटिंग करने के लिए, तो खाली एलपीजी सिलेंडर नहीं होता है, उसके साथ में जो है ऑक्सीजन का भी सिलेंडर होता है। अब यहां पर जब भी ऑक्सीजन और एलपीजी सिलेंडर जब इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जो है फ्लैशबैक होने की जो है वहां पर संभावना होती है, क्योंकि यहां पर जो है ऑक्सीफ्यूल जो है सिस्टम जो है यहां पर होता है। अब चाहे वो ऑक्सीजन या फिर एसिटिलीन वाला सिलेंडर हो या फिर ऑक्सीजन या फिर एलपीजी वाला सिलेंडर हो, तो यहां पर जो है ऑक्सीजन और एलपीजी जो है ये दोनों में यहां पर कंबशन होता है, जिसके कारण जो है फ्लैशबैक होने की पर संभावना होती है। इसी कारण की वजह से जो है हम जब भी एलपीजी सिलेंडर साइट पर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जो है फ्लैशबैक अरेस्टर का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर जो है फ्लैशबैक होने के जो है यहां पर चांसेस होते हैं वो चाहे ऑक्सीजन वाली गैस लाइन हो या फिर फ्यूल वाली गैस लाइन हो, इसलिए जो है फ्लैशबैक अरेस्टर जो है यहां पर हर एक जो गैस लाइन है वहां पर फिट किया जाता है। अब फ्लैशबैक जो है वो एलपीजी के केस में भी हो सकता है जब हम एलपीजी को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में जो है साइट पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहां पर फ्लैशबैक अरेस्टर को जो है रिकमेंड किया जाता है कि वो जो है उस सिलेंडर को लगना चाहिए। लेकिन जब हम एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घर में करते हैं तो वहां पर जो है फ्लैशबैक अरेस्टर की जो है खास तौर से वहां पर जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जो है ऑक्सीजन नहीं होता है कि जिसके कारण जो है यहां पर कोई कंबशन हो, यानी कि कंबशन के सपोर्ट के लिए जो है यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसी रीजन की वजह से जो है जब भी हम एलपीजी सिलेंडर जो है हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर फ्लैशबैक अरेस्टर का जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि एलपीजी सिलेंडर के लिए हम फ्लैशबैक अरेस्टर का जो है इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।